हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रवि सिन्हा हूँ और यहाँ पर आप एंडोस्कोपी के द्वारा एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल नामक कृमि की इमेज देख रहे हैं। इसे हम राउंड वर्म अथवा हुक वर्म भी कहते हैं और यह ह्यूमंस की, डॉग्स की और कैट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सामान्यतया यह मॉइस्ट स्किन जहाँ पर कि इसका इन्फेस्टेशन है उस पर नंगे पैर घूमने से हमारे पैर की क्रैक स्किन के द्वारा शरीर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर के इसका लार्वा अपनी लाइफ साइकिल पूरा करता है और इस लाइफ साइकिल के दौरान ये ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। आजकल इसका इलाज दवाओं के द्वारा संभव है। इसके इन्फेस्टेशन होने पर बच्चों को अथवा एडल्ट्स को एनीमिया, उल्टी आना, नौजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, सीवियर एनीमिया और लॉस ऑफ वेट जैसी समस्याएं हो सकती हैं, साथ ही फीवर भी आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।